नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर हिम प्रहरी योजना लागू करने के लिए 5,45,00,000 रुपए का बजट मंजूर करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली में मुलाकात की। और इसी के साथ मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान राज्य पुलिस को और अधिक प्रभावी और आधुनिक बनाने के लिए केंद्र से अलग से बजट मंजूर करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना में प्रति वर्ष 20 से 25 करोड़ रुपए का बजट दिया जाए। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि मुलाकात के बाद में सीएम धामी ने यह भी कहा कि मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उत्तराखंड की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर मुहर लगाई। नहीं, हम सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सभी कामों पर जो उन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए किए हैं और जो उनका विजन है, जो उन्होंने कहा है कि आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा, उस पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाई है और 2/3 बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड के अंदर बनाई है। और एक मिथक जो उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार चला आ रहा था कि एक बार एक पार्टी की सरकार होती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी की सरकार होती है, इस बार उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फिर से रिपीट किया है। इसलिए हम उनकी आशाओं पर, उनकी आकांक्षाओं पर, उनके विश्वास पर हर संभव कोशिश करेंगे कि हम उस पर खरा उतरें और उसको हम पूरा करें। जो संकल्प हमने लिए हैं उन संकल्पों को हम पूरा कर रहे हैं और उसकी हमने शुरुआत कर दी। नहीं, बहुत सारी परियोजनाएं हैं, सभी परियोजनाओं पर हमने उनका मार्गदर्शन लिया है और हमें लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा लगातार और केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लगातार हमको मार्गदर्शन और लगातार उनका आशीर्वाद उत्तराखंड राज्य के लिए मिला है और अभी भी उन्होंने आश्वासन दिया सभी पर आगे काम होगा। कल जो बैठक हुई थी वो बैठक नेपाल का एक प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर आया था और वो होते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो राज्यों का उन्होंने दौरा कर लिया है और वो कल मेरी भी उनसे औपचारिक रूप से भेंट हुई थी, क्योंकि मैं नेपाल का जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसी क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ, उसी क्षेत्र में बड़ा हुआ हूँ। हमारा नेपाल के साथ एक पड़ोसी देश होने के साथ साथ भाईचारे का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, तो हमने कहा है कि हम उसको और प्रगाढ़ करेंगे। हमारी तरफ से जो भी उनके लिए सहयोग होगा दोनों देश मिलकर करेंगे, आपस में आगे बढ़ेंगे। यात्रा को लेकर हमने एक उच्च स्तरीय बैठक अभी की है जिसमें सभी विभागों के लोग थे और चार धाम में आने वाले लोगों को, जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, उनको हर प्रकार की सुविधाएं मिलें, उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, चाहे वो हमारा यातायात का क्षेत्र हो, पार्किंग का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, पेयजल की समस्या हो, या सड़क हो, या आवास हो, हर जगह पर, या हवाई सेवाएं हों, सभी अच्छी मिलें, चाहे मोटर सेवाएं हों, उसके लिए हमने पूरी बैठक कर ली है और उस पर हमारी सरकार पूरी तरह से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत हवाई सेवाएं प्रारंभ किए जाने के प्रयास के लिए लगातार किए जा रहे हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें कि सीमांत क्षेत्र होने के कारण पिथौरागढ़ का धारचूला क्षेत्र में आने जाने की सुविधा होनी जरूरी है। और सीएम ने कहा कि धारचूला हेलीपैड को हेलीपोर्ट के रूप में अपग्रेड किया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से इसकी अनुमति के लिए संबंधित निर्देशित करने के लिए कहा है। इसी के साथ में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के जखोली में सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के मध्य एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हो चुका है और इसके मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों को देखते हुए उस एग्रीमेंट में संशोधन करने की सुविधाएं भारत सरकार से उपलब्ध कराए जाने का भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद हरिद्वार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से उनके दिल्ली स्थित आवास में मुलाकात की और उन्हें राज्य में चल रही विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर निशंक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को
आश्वस्त किया कि राज्य को विकास योजनाओं में केंद्रीय स्तर से मिलने वाली मदद में हर स्तर से सहयोग दिया जाएगा। और इसी के साथ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव रहा है और प्रधानमंत्री के विजन के तहत ही उत्तराखंड निश्चित रूप से आगामी 5 सालों में देश का एक श्रेष्ठ राज्य बनने वाला है। कोरोना काल में अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की जान बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स अब अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें देहरादून के अस्पताल की हैं, जहां पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इसके विरोध में स्वास्थ्य विभाग के कर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बात करें दून अस्पताल की, तो यहाँ पर इस धरने से दून अस्पताल में मरीजों का अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार मरीजों की लंबी कतार लगी है। और इस पूरे मामले को लेकर ANB न्यूज की टीम ने मौके पर जाकर कोरोना वॉरियर्स से बातचीत की और साथ ही उनकी समस्या को जाना। दून हॉस्पिटल और दून हॉस्पिटल पिछले नर्सिंग स्टाफ पिछले 10 दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है नियमितीकरण को लेके। इनका 31 मार्च को जो कार्यकाल था वो खत्म कर दिया गया। अब नियमितीकरण को लेके ये लोग यहाँ पे धरने में बैठे हैं। जब कोरोना काल चला था यहाँ पे ये लोग सरकारों ने इनको भगवान का दर्जा दिया था, पुष्प वर्षा की थी, और वही इस समय जो सारे छात्र हैं जो जैसे आप देख सकते हैं ये लोग इसमें प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। आई जाते हैं किन किन मांगों को लेके लोग अपनी बातें रख रहे हैं। 610 कर्मचारी हैं जो आउटसोर्स के माध्यम से लगे थे और 610 की हमारी मांग है। और पूरे जो उत्तराखंड में जगह जगह पे आप देख रहे होंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से, वहाँ भी धरना चल रहा है कि नियमितीकरण की मांग है सभी लोगों की। और जिन्होंने अपने ये कोविड काल में सब सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाया था, कहीं ना कहीं सरकार को सुध लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि इनको प्रथम वरीयता दी जाएगी, फूलों की वर्षा की थी, भगवान का दर्जा दिया गया था। चाहे वार्ड बॉय हो, वार्ड आया हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, जो भी हो, हमें सरकार से यही बात पहुंचाना चाहूँगी कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है, बहुत अच्छा हमारा व्यवहार रहा है। और हमें यही मांग पूरी करनी है सर कि हमें वापस लिया जाए जिस तरह से लिखित रूप में जो हमारे हाथ में है। कि जो मान लीजिए एक तो ये है कि जो इनके वजह से तकलीफ हुई है, इन्होंने हमें ज्ञापन भी दिया था, वो भी हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया, रिकमेंड कर दिया कि कुछ इसमें कोई रास्ता कोई अगर निकल सकता है तो उसमें बातचीत हो। दूसरा ये है कि हमारा मेडिकल कॉलेज है, ये अभी शुरुआती शिशु स्टेज में है, इसमें कई पद ऐसे हैं जो सृजित होने हैं, कुछ हो रहे हैं। तो जब सृजन होगा पदों का 4th क्लास में, क्लास 3 में, और सिस्टर लेवल में, स्टाफ नर्सिस लेवल में, लैब टेक्नीशियन के लेवल में, या वार्ड बॉय के लेवल में, तो वो उस काम में थोड़ी सी गति अगर आ जाएगी तो इनको रास्ता नज़र आ जाएगा। कई बार क्या होता है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं लेकिन कोई उसमें फिर न्यायालय में लोग चले जाते हैं तो स्टे मिल जाता है, तो ये फिर प्रक्रिया रुक जाती है। तो अगर ये सब चीज़ें बाध्यता दूर हो जाएं और नियमित पोस्टिंग शुरू हो जाए और उसमें इनके अनुभव और इनके एग्जामिनेशन जो भी पद्धति अपनाएंगे प्रशासन, जो भी सरकार अपनाएगी, तो इनको वरीयता या कोई ऐसे रास्ता निकाल करके ये फिर से अगर आ सकें हमारे ऊपर नियमित कर्मचारी। नियमितीकरण की मांग को लेकर देहरादून में कोरोना वॉरियर्स अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके समर्थन में कांग्रेस ने बयानबाजी करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। गरिमा मेहरा दसोनी ने सरकार पर आरोप लगाए कि वहीं बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र जुगरान की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है कि मांग जायज है। और उन्होंने कोरोना काल में भी बहुत सेवा के साथ जो है, जब घर के ही लोग अपने परिजन का दाह संस्कार करने से भी घबरा रहे थे, कोई अस्पतालों में फटक नहीं रहा था, तो हमारे जो ये कोरोना वॉरियर्स हैं इन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा करी है। तो उनकी सेवाओं को याद करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम भी स्वास्थ्य मंत्री जी से, शासन से, अपनी सरकार से जरूर उनसे समन्वय बैठाकर सरकार के संज्ञान में लाएंगे कि कहीं भी हो इन लोगों की सेवाएं बनी रहनी चाहिए, इनको जो है नौकरी से ना हटाया जाए और जहां भी रिक्तियां हैं जिस प्रकार से अभी काम कर रहे हैं उस प्रकार से आगे भी काम करते रहे। हम ये
पूरा मानी चाहिए इन हुक्मरानों को। इतनी सारी पोस्ट, इतने सारे पद खाली हैं, लैब टेक्नीशियन का खाली है, नर्सिंग के पद खाली हैं, आप परीक्षाएं करा नहीं पा रहे हैं, फार्मासिस्टों के पद खाली हैं, वार्ड बॉय के पद खाली हैं, डेंटिस्ट के पद खाली हैं, आयुष डॉक्टर्स को उनका हक नहीं मिल पाया है। ऐसे में इन्हीं लोगों को जो संविदा कर्मी थे, इनको समायोजित क्यों नहीं किया जा सकता? सुनने में आया है कि 610 तो केवल यहाँ हैं देहरादून में, पूरे उत्तराखंड की बात करें तो लगभग 2400 ये लोग हैं जो आज अनशनरत हैं, जिनको एक पत्र में एक झटके से बेरोजगार कर दिया गया बिना ये सोचे कि उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री को दिल्ली दरबार जाने से फुर्सत नहीं है, नेताओं की परिक्रमा काटने से फुर्सत नहीं है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा केवल जुमला भर साबित हो रहा है। ये जुमला आपने दे तो दिया अधिकारियों को, लेकिन आप नजर कितनी बनाए हुए हैं प्रदेश की गतिविधियों पर? आज सारी हमारी वन भूमि जल रही है, उसको आप देख नहीं रहे हैं। हमारे वहां डॉक्टर निधि उनियाल के प्रकरण का अभी पटाक्षेप नहीं हुआ, हमारे डॉक्टर्स का मनोबल गिर रहा है, काली पट्टी बांध कर वो कार्यस्थल आ रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ उत्तराखंड के स्कूलों में ना पानी पीने का है, ना शौचालय है, ना बैठने के लिए फर्नीचर है। ऐसे में आप लोग विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सपने दिखाने का काम करते हैं। 25 दिन आपकी सरकार बने हुए हो गया, लेकिन बधाई और शुभकामनाओं का दौर है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर हंसिंह रावत ने कहा कि आगामी 7 अप्रैल को प्रदेश भर के अस्पतालों में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न कारणों से स्वास्थ्य पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को सभी जिलों में व्यापक तैयारी करने के दिशा निर्देश जारी करने के साथ ही ये भी कहा कि सभी व्यवस्थाएं ठीक हो। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य की थीम पर स्वास्थ्य दिवस को राज्य के प्रत्येक अस्पताल में मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हरित उपायों को प्रोत्साहित करना होगा। उन्होंने इस बारे में शासन और निदेशालय पर स्तर पर कार्यक्रम को व्यापक स्तर पर आयोजित करने के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने स्तर पर निर्देश दिए। उत्तराखंड में लगातार बाघ के बढ़ते हमलों को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रशासन और वन प्रशासन की ओर से चौकन्ना होना पड़ेगा, यूं ही नरभक्षी बाघों की संख्या बढ़ रही है। जंगलों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने के साथ और अधिक बाघ आबादी वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं, इसलिए वन प्रशासन को चौकन्ना रहने की जरूरत है। अपने एक दिवसीय नैनीताल दौरे के दौरान उत्तराखंड की धामी सरकार में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी पहुंचने पर स्वागत किया। पहली बार हल्द्वानी पहुंचे सौरभ बहुगुणा गदगद नजर आए। वहीं सौरभ बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने उनको जिन जिन विभाग की जिम्मेदारी दी है उन सभी विभागों के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं और निश्चित तौर पर किसी भी अधिकारी के द्वारा कार्य को लेकर कोताही नहीं बरती जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो अधिकारी कार्य नहीं करेंगे उन सभी पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। मैं सबका धन्यवाद करूंगा कि आज प्रथम बार आगमन मैंने हल्द्वानी में हुआ है और आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश है और ये वही जोश है जिसने हमको 2/3 मेजोरिटी के साथ मिथक तोड़ते हुए उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाने में मदद करेगी। जहाँ तक मेरी बात है और देखिए मेरे को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है पशुपालन विभाग की दी गई है, मत्स्य पालन की दी गई है, दुग्ध की दी गई है, हमारे चीनी मिल और चीनी उद्योग की दी गई है, कौशल विकास और सेवा योजन की दी गई है, प्रोटोकॉल की दी गई है। मुझे लगता है कि सारे विभाग ऐसे हैं जिनसे मैं दूरस्थ क्षेत्रों में विकास और रोजगार उपलब्ध करा सकता हूँ, चाहे वो महिला समूह के द्वारा, चाहे वो युवाओं को रोजगार से जोड़ना हो, चाहे वो उत्तराखंड की मूल भावना पलायन जो है जिसकी जो बहुत आज बहुत बड़ा एक समस्या है उत्तराखंड के लिए पलायन हो रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में तराई की तरफ, उसमें भी रोकने में अगर हम उनको युवाओं को रोजगार देंगे और पशुपालन ट्राउट फार्मिंग फिशरीज में हमारे दुग्ध विकास से हम युवाओं को अगर जोड़ते हैं महिलाओं को जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे पहाड़ फिर से हरे भरे होंगे और हमारी पलायन की समस्या ये सारे जैसे जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कोई पलायन नहीं मानी जाएगी और हमारी सरकार में कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। बद्रीनाथ धाम को आध्यात्मिक स्मार्ट हॉल टाउन के रूप में विकसित करने के लिए आर्थिक सहयोग देने को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी आ गया है। इंडियन ऑयल की ओर से विकास कार्यों के लिए 24.51 करोड़ की राशि दी जाएगी और इसमें केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट को 9.80 करोड़ की पहली किश्त दी गई है।
पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर की मौजूदगी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के तहत पहले चरण में बद्रीनाथ धाम में नदी तटबंध का काम होगा। सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर ने कहा कि बद्रीनाथ धाम में 277 करोड़ रुपए के अवस्थापना विकास संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। इन कार्यों के पूरे होते ही बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं को तमाम प्रकार की यात्री सुविधाएं मिलेंगी। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में लाइन लॉस कम करने की कवायद में जुटा यूपीसीएल अब विद्युत चोरी वाले इलाकों में लाइनों की भूमिगत करने की योजना पर काम कर रहा है। आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा बिजली लाइनें भूमिगत कर दी जाएंगी। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि प्रदेश में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली चोरी सबसे बड़ी चुनौती है। यूपीसीएल की टीमें यहां पर छापा मारने जाती हैं तो बेरंग लौटना पड़ता है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर लोग बिजली बिल भी नहीं दे रहे हैं। इन सभी इलाकों में आने वाले समय में विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा और इससे निश्चित तौर पर चोरी पर लगाम लगेगी। रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में 6 लोगों को अपना निवाला बना चुके बाघ को मार गिराने के आदेश के बाद शिकारियों और शूटरों का दल बाघ के सर्च अभियान में जुट गया है। हिमाचल के जाने माने शिकारी आशीष दास गुप्ता, मेरठ के अंतर्राष्ट्रीय शूटर सैयद अली बिन हादी और शिकारी चौधरी किरणेश जंग ने बाघ को पकड़ने या मारने का मोर्चा संभाला हुआ है। हालांकि पहले दिन किसी तरह की कोई सफलता उन्हें नहीं मिली, लेकिन विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही आदमखोर बाघ को पकड़ लिया जाएगा या फिर मार गिराया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के आदेश के बाद आदमखोर बाघ के मारने का आदेश जारी किया गया है। मशहूर शिकारी आशीष दास गुप्ता और सैयद अली बिन हादी का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि आदमखोर बाघ को टैकुलाइज करके उसको पकड़ा जाए, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो फिर बाघ को मार गिराया जाएगा। अभी तो हम कल शाम को ही पहुंचे हैं। अभी तो हमारे को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बताया कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। जंगल में जाके हम अपना जायजा लेंगे कि क्या है पोजीशन जी, और उसके बाद हम कुछ ओपिनियन कर सकते हैं, उसके पहले नहीं कर सकते। जी, अभी आप जिस तरह से आपने कुछ केस की स्टडी की होगी, क्या लग रहा है सर आपको? मैं अभी आई कैन नॉट मेक एनी कमेंट भाई साहब जी। जब हम डिसीशन लेते हैं तब हम बहुत सोच समझ के लेते हैं, तो एक दो दिन हमें लग जाता है इसका पूरा जायजा लेने। सर अभियान में कितने लोग शामिल होंगे? कन अभियान में कितने लोग शामिल हैं? अभियान में हमारे तीन मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट स्पेशलिस्ट आए हुए हैं हमारे साथ जी। कौन कौन है सर? किरणेश जंग और सैयद अली बिन हादी मेरठ। तीन लोगों की टीम हमारे यहाँ यहाँ आई है, जो कि हम सुबह पहुँचे हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमने निरीक्षण किया है और तीन लोगों की टीम में हम तीनों अलग अलग जगह जाएंगे, और ये हमारा ऑपरेशन आज से शुरू हो गया है, जिसमें हमारे साथ ट्रैंकलाइज टीम भी रहेगी जो यहाँ पहले से मौजूद रही है, और वो हमारे तीनों के साथ अलग अलग जगह जो किलिंग स्पॉट्स हैं, कोई सर्चिंग के दौरान कोई मचान पर बैठेगा, तो ऐसे तरीके से हमने अपनी टीम गठित करी। सर यहाँ पर केस स्टडी आपने करी होगी, किस तरह का केस लग रहा है सर बाघ का, अगर कहा जाए किस तरह क्या लग रहा है? देखिए, ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा जब तक हम पूरे एरिया को स्कैन ना कर लें और तरीके से इन चीज़ों को ना ऑब्जर्व कर लें, तो अभी ये कहना मुश्किल है कि ये पर्टिकुलर कल्प्रेट जो है मेन वो है तो टाइगर का, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी पार्ट्स खा रखे हैं वो टाइगर का ही काम होता है। सर क्या उसको पकड़ने की भी कवायद की जाएगी या उसको किल करने के हिसाब से आप लोग देखेंगे? नहीं नहीं, मैंने जैसा कहा कि हम उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करेंगे, और चूँकि पिंजरे भी लगा रखे हैं, पिंजरों के ऊपर मचान भी हैं, तो वहीं हम लोग अपना बैठेंगे। टाइगर के द्वारा दिसंबर से अब तक मेरे रेंज में 6 घटनाएँ घटित हो चुकी, 6 लोगों को मार दिया गया है, जिसके बाद से हमारे द्वारा रेंज में 8 पिंजरे लगाए गए हैं और 60 कैमरे पन्याली दमड़ुआ क्षेत्र और 20 कैमरे भदोही क्षेत्र, कुल मिलाकर के 80 कैमरे हमारे द्वारा अब तक लगाए गए हैं। एक महीने से इसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली है, और बढ़ती घटनाओं के क्रम में इसको मारने के आदेश प्राप्त हो चुके हैं और इसमें शिकारी नियुक्त हो चुका है जो कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज सुबह यहाँ पर पहुँच चुके हैं, आज उनके द्वारा क्षेत्र
में भ्रमण करके घटनास्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। कितनी टीमें सर्च कर रही हैं? शिकारियों की 3 टीमें आई हुई हैं और एक मुख्य शिकारी है, 2 उनके असिस्टेंट। इसमें कोदरानी के लंबे समय से 6 लोगों को मार गिराया है बाघ द्वारा और हम लोग बहुत चिंतित हैं क्योंकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे हैं और सबसे ज़्यादा लोग हमें ये अप्रोच करते हैं, हमें दुख होता है क्योंकि हमारे बीच के लोग हैं जिनको मारा गया है। तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा गति में वन विभाग आया है, लेकिन और समय से चेत जाता तो इतनी घटनाएं नहीं घटती। मैं यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस बाघ को मार गिराया जाए क्योंकि यहाँ शिकारी अपॉइंट कर दिए गए हैं और इसी होप के साथ यदि नहीं मारा जाता है तो निश्चित रूप में हम लोग धरना प्रदर्शन। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के तहत संचालित केंद्र पोषित योजनाओं और बाह्य सहायता योजनाओं के बारे में अधिकारियों के साथ में विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास विभाग के तहत संचालित सभी योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण कौशल योजना और अन्य योजनाओं के संबंध में 1 सप्ताह के भीतर 100 दिन की रूपरेखा तैयार की जाए। ग्राम विकास की बैठक अपने कक्ष में ली और जितने भी ग्राम विकास की हमारी योजनाएं हैं उसकी प्रगति रिपोर्ट और भारत सरकार से योजनाओं पर जो पैसा आया इतना खर्च हुआ उन योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई और मैंने 100 दिन का टारगेट अधिकारियों को दिया है कि चाहे ग्रामीण जो है आवास योजना है प्रधानमंत्री, चाहे उसकी बात हो चाहे इसकी डेवलपमेंट की बात हो, सारी योजनाओं को मैंने कहा है कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर की 100 दिन के अंदर हम क्या करने वाले हैं इसका खाका मुझे बना कर दें, क्योंकि हमने 100 दिन के अंदर अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री को दिखानी है अपने नेतृत्व को। विधायक बनने के बाद पहली बार कालाडूंगी विधायक वंशीधर भगत ने कार्बेट ग्राम छोटी हल्द्वानी में बैठक की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। वंशीधर भगत ने क्षेत्र की जनता का प्रचंड बहुमत से जीत के लिए आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कार्बेट ग्राम समिति के सदस्यों ने वंशीधर भगत को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि कार्बेट ग्राम छोटी हल्द्वानी जिम कार्बेट के गांव के नाम से भी सारे विश्व में प्रसिद्ध है और इसके लिए कालाडूंगी वन क्षेत्र में जंगल सफारी प्रारंभ की जाए ताकि कालाडूंगी के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों। लोगों का धन्यवाद करना है, चुनाव के बाद मैं पहली बार ग्राम बूथ स्तर पर निकला हूं तो यहीं से शुरू किया है। एक आज बूथ नंबर 47 में बैठे यहाँ के कार्यकर्ताओं से मिले, यहाँ के पदाधिकारियों से मिले, यहाँ की जनता से मिले और उनकी बात सुनी, अपनी बात कही। सर, जंगल सफारी के लिए सर ज्ञापन दिया गया है कॉर्बेट ग्राम समिति द्वारा, क्या ज्ञापन दिया गया है उसको देखेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे क्या है तो उसमें जो भी सब। नैनीताल हाई कोर्ट ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री विधायक प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से पैसे निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लोगों को बांटने के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने प्रेमचंद अग्रवाल, चुनाव आयोग भारत सरकार, चुनाव आयोग उत्तराखंड, राज्य सरकार, विधानसभा स्पीकर, जिला अधिकारी देहरादून और SDM रिटर्निंग ऑफिसर ऋषिकेश, जिला कोषागार अधिकारी देहरादून को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। सुनवाई 25 मई को तय की गई है और सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हुई। बता दें कि ऋषिकेश निवासी कनक धनई ने याचिका दायर की है जिसमें कहा गया है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करीब 5 करोड़ रुपया डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निकालकर लोगों को बांटा है और जिसकी स्वीकृति विधानसभा सचिव द्वारा दी गई है। ये डिमांड ड्राफ्ट 4,975 रुपए के बनाए गए हैं जिनमें से 3 फरवरी और 9 फरवरी की तिथि डाली गई है। ये डिमांड ड्राफ्ट उनके द्वारा सबूतों के तौर पर अपनी याचिका में लगाए गए हैं और इस मामले की जांच की जाए और जांच सही पाए जाने पर उनका चुनाव प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए। और इसी के साथ में आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।